सभी को नमस्कार जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आपका ये पहला SLGP है, आपने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, वैसे ही हम लोगों को भी जैसे रिसर्च क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जाते रहते हैं। ये मेरा 11 नंबर है SLGP, जब से ज्वाइन किया हूँ 11 नंबर SLGP कर चुका हूँ। ऑल ओवर इंडिया में बोरे सर के साथ पहले भी किया था, सर असिस्टेंट डायरेक्टर थे एर्नाकुलम ऑफिस में केरल में, तो उन्होंने मनाने के ऊपर किया था वो प्रोग्राम, वो भी अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था, उसमें भी ट्रेनिंग अच्छे आए थे। और ये भी जो ट्रेनिंग सर ने किया, जब आया नागपुर में मुझे पता चल गया कि सर मुझे बुलाएंगे, तो सर ने भी फोन किया तो बोला ठीक है सर आएंगे। ट्रेनिंग भी जब आप लोग जब आए तो सर बोलेंगे ट्रेनिंग अच्छे मिले इस बार, तो प्रोग्राम भी अच्छा होगा। जब आप लोग आए होंगे तो लगा होगा कि IPM के ऊपर एक महीना क्या पढ़ेंगे, 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाता है, कल्चरल मैकेनिकल बायोलॉजिकल करने से खत्म। फिर एक महीना अभी पढ़ने के बाद भी अभी सोच रहे होंगे कि और 5-6 टॉपिक सजेस्ट किए हों कि ये नहीं हुआ, ये थोड़ा करना था, इस टॉपिक के बारे में पढ़ना था, तो ये होता रहता है, ये कंप्लीट नहीं होता है। फिर जितना डीप जाना चाहेंगे और उतना सीखना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो एक क्रॉप से हुआ है क्वार्टर, तो उसमें भी सर ने शायद कोशिश किया होगा कि दूसरा क्रॉप जो मेजर क्रॉप है उसमें भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो ऐसे ही इंडिविजुअल क्रॉप पे प्रोग्राम होता है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे जिसमें भी क्रॉप होता है उस जगह पे उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा एक्सपोर्ट किया जाए उसमें, और उसके रिलेटेड जो भी काम हो उसको आप लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। प्रैक्टिकली मेनली हम लोग रहता है जो पार एक्टिविटीज हैं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी मास्टर ट्रेनर बन गए हैं, स्टेट में जब भी प्रोग्राम करेंगे तो आप जाके ट्रेनिंग दें, तो एक प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, इस बारे में आप लोग थोड़ा सीख गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग आगे चल के इस प्रोग्राम में जो भी सीखे हैं अपने लाइफ में और सर्विस करियर में आगे बढ़ाएं, और जब भी मिलें तो जरूर वेलकम।